मैंने अभी तक नहीं देखा कि किसी ने किस चिकनकारी की शलवार है। बहुत ही सिंपल एलिगेंट से है और आई है दैट इज 6 एंड नेक लाइन पे मैंने इसका जो है ना तिल। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी जनाब, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ड्रेस डिजाइनिंग डिटेल्स दिखाऊंगी आपको। आज की वीडियो में कोई शॉपिंग कोई हम बाजार नहीं जा रहे, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट जो वीडियो है वो दिखने को मिलेगी डिजाइन पे। लास्ट वीक मैं लाहौर गई हुई थी और मैंने जो अपनी स्टोरी शेयर की और बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि जितने भी आपने कपड़े पहने हैं उनकी डिजाइन जो है, डिटेल्स जो है और उनके डिजाइन जो है वो शेयर करें। तो मैंने सोचा जल्दी से एक वीडियो बना देती हूँ और आप लोगों के साथ जो है वो सारे डिजाइन शेयर कर दूंगी। आज की वीडियो में कोई मार्केट नहीं जा रहे, कोई बाजार नहीं जा रहे, कुछ भी नहीं है, बट मैं ये आपको बता दूंगी कि कौन सा ड्रेस मैंने कौन सी शॉप से लिया था, ताकि अगर आप वो लेना चाहें तो ले सकें। खैर, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इसमें लॉन भी है, चिकनकारी भी है एंड जरी लॉन भी है, डिटेल्स आपको दिखाती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाली हूँ जहाँ पे आप काम करके घर बैठ के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि हमें कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं जहाँ पे हम जो है घर बैठ के काम कर सकें। आपको मैं बताने वाली हूँ K1 के बारे में। यहाँ पे आप काम करके जो है वो अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। इसका जो लिंक है वो मैंने बायो में दिया हुआ है, लिंक पे जाएं, लिंक पे रजिस्टर करें, आपको 600 रुपए का बोनस मिलेगा। इसके साथ साथ आप अपने दोस्तों को रेफर करें और मजीद हासिल करें 600 रुपए का बोनस। इसके अलावा आप यहाँ पे खेल के भी पैसे कमा सकते हैं। और अगर आप मेरी तरह एजेंट बनना चाहते हैं और वीकली सैलरी लेना चाहते हैं, तो मेरी तरह आप एजेंट अपने आप को रजिस्टर कराएं। रजिस्टर कराने के बाद आपने कस्टमर सर्विस से रابطہ करना है, रابطہ करने के बाद आपने खुद को रजिस्टर कराना है एज अ K1 एजेंट। इसके अलावा अगर आप रिस्क फ्री अर्निंग करना चाहते हैं तो इनका सब्सक्रिप्शन कार्ड है, उसको बाय कर सकते हैं। वो बाय करने के बाद आप हर महीने जो है उसका प्रॉफिट ले सकते हैं। इसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, लिंक पे जाएं, खुद को रजिस्टर करें और इंडिपेंडेंट हो जाए और अपने लिए पैसे कमाएं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और डिजाइन आपको दिखाती हूँ डिटेल में। सबसे पहले हम दिखाते हैं ये चिकनकारी का ड्रेस, ठीक है। ये चिकनकारी की शर्ट है, लेकिन इसका मैंने क्या किया था कि मैंने फुल सूट लिया था, ठीक है। मैंने सोचा था शलवार भी इसी की बनवाऊंगी, आजकल शॉर्ट शर्ट्स चल रही हैं, तो उसी तरह से मैंने इसको डिजाइन किया है। शर्ट है एंड विद दी शलवार सेम फैब्रिक मैंने लिया। मैं आपको वन बाय वन डिटेल्स दिखाती हूँ। अच्छा, ये मैंने जो चिकनकारी है ये ली थी मैंने लिबास फैब्रिक वालों से, फुल सूट लिया था। कुछ इस तरह से इसकी शर्ट है, ठीक है। नेक लाइन इसके इस तरह से है, स्लीव्स इसके बॉक्स में है, शॉर्ट शर्ट है विद राउंड घेरा एंड नेक लाइन पे मैंने इसका जो है ना तिल्ले की जो है ना वो थ्रेड लाइंस डलवाई हैं। इसी तरह से स्लीव्स पे है, मैं आपको क्लोजअप भी दिखा दूंगी। राउंड घेरा है, शॉर्ट शर्ट है, शर्ट की लेंथ जो है वो 34 इंचेस है। इसकी शलवार बहुत मजे की है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसकी शलवार है, ठीक है, एक सेकेंड। ये इसकी शलवार है विद चौड़ा पांचा, ठीक है। ये इसकी शलवार चौड़ा पांचा है इसका, ठीक हो गया, सही है। और शलवार के पांचे पे भी जो है वो मैंने थ्रेड की जो है वो लाइंस, थ्रेड की जो है वो लाइंस लगवाई हैं। थ्रेड जो है वो तिल्ले का है और इसकी जो चौड़ाई है दैट इज 6 इंचेस, ठीक है। बाकी जो शलवार जो है वो खुली डुली बेल्ट वाली जो शलवार मैं पहनती हूँ, सही है। ये इसका पांचा, ठीक है। एंड अच्छा, दुपट्टा मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था एंड शर्ट, सही है। इसका आपको मैं क्लोजअप दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें, ये इसका क्लोजअप है। कुछ इस तरह से मैंने इसके तिल्ला थ्रेड की जो है लाइंस लगवाई हैं स्लीव्स पे भी, पांचे पे भी और नेक लाइन पे भी। आप चाहें तो इस तरह किसी भी फैब्रिक के ऊपर जो है वो डिज़ाइनिंग करा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त लग रहा था, बहुत ही डिफरेंट सा एलिगेंट सा लग रहा था। आपको मैं पिक्चर शो कर रही हूँ, आप पहनावा भी देख लें। अच्छा, नेक्स्ट ये जो है जरी लॉन है, इसका मैंने 3 पीस भी जो है डिज़ाइन किया था, उसमें से कपड़ा बचा था तो मैंने सोचा शॉर्ट शर्ट बनवा लूँ, जो गोल घेरे के साथ मैंने बनवाई है। बिल्कुल शॉर्ट शर्ट है, 33 या 34 इंचेस इसकी लेंथ है। दीज आर द स्लीव्स, बॉक्स स्लीव्स, नेक लाइन जो है वो लूप्स हैं विद द पर्ल्स बटन, सिंपल एंड एलिगेंट। अब हम आपको पहने हुए जो साइड पे दिख आपको दिख रहा होगा और आपको पता चल रहा होगा कितने मज़े की लग रही थी। इसको भी मैंने पहना था वाइट दुपट्टे और वाइट शलवार के साथ। शलवार भी जो इसकी जो मैंने पहनी थी वो चौड़े पांचे वाली थी। और हुआ कुछ ऐसा कि मैं लाहौर गई हुई थी आपको जैसे मैंने बताया, और मैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर छोड़ आई हूँ, तो उनमें इसका वाइट जो क्या कहते हैं इसको शलवार इसकी वो मैं भूल आई हूँ। गोल घेरे वाली ही शर्ट है, बहुत मज़े की लग रही थी, सबको बहुत पसंद आया था। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला जो सूट है,
ये भी मैंने शॉर्ट शर्ट ही बनवाई है शर्ट की. इसकी जो लेंथ है वो 32 इंचेस है विद बॉक्स स्लीव्स. फ्रंट पे इसका नेक लाइन इस तरह से है. उस पर मैंने छोटे छोटे से जो है वो समोसियाँ सी जो है ना उसी फैब्रिक की बनवा के डाली हैं. ठीक है. एंड द शॉर्ट शर्ट इसका घेरा गोल नहीं है एंड सेम जो पैटर्न है ना शलवार का जो मैंने आपको दिखाया चिकनकारी का वही है. इस पर जो है वो लाइंस लगवाई हैं मैंने. ठीक है. चौड़ा 5.5 इंच का बाकी बेल्ट वाली शलवार है. शॉर्ट शर्ट ये आपको पहन के मैं दिखाती हूँ आपको समझ आ जाएगा. और ये दुपट्टा भी जो है इसके साथ मैंने डाई कराया था इमरान भाई की ही शॉप से लाल कुर्ती से. तो ये इसके साथ चल गया. ये वैसे है किसी और सूट का. ये समोसियाँ इस तरह से इसका नेक लाइन है. ठीक है. एंड दिस इज द शर्ट. सही. अच्छा सिंपल है बहुत ही सिंपल एलिगेंट से है. और इसके बाद जो है वो अच्छा हाँ ये मैंने पहना था पिछले दिनों में इवेंट था उस पर तो सबको बहुत पसंद आया था. ये मैंने पहचान वालों से लिया था. सिंपल शर्ट लॉन्ग स्ट्रेट शर्ट है. उस पर भी मैंने सिलाइयाँ लगवाई हैं कुछ इस तरह से मैंने सिलाइयाँ लगवाई हैं इसकी. ठीक है. स्लीव्स की शर्ट लॉन्ग है स्ट्रेट शर्ट है. शर्ट की लेंथ जो है वो 45 इंचेस की है. एंड विद द बटन्स इसी कपड़े के मैंने बटन बनवाए. दुपट्टा भी मैंने इमरान भाई वाल से जो है वो डाई करा दिया था. तीन कलर में डाई कराया. इसके अंदर जो एम्ब्रॉयडरी के कलर है उसी को फॉलो किया. साथ इसके जो है स्ट्रेट ही ट्राउज़र है इसका. बिल्कुल स्ट्रेट कट ट्राउज़र है. 7 इंचेस का इसका 5.5 है. लेंथ इसकी 37 इंचेस है. शर्ट की लेंथ मैंने आपको बता दी है. एंड दिस इज इट. अच्छा अब नेक्स्ट जो है ये मैंने आपको अपने शॉपिंग ब्लॉग में दिखाया था. ये चिकनकारी शर्ट मैंने ली थी लिबास वालों से. एंड इसको भी मैंने सिंपल नेकलाइन है विद दी लूप्स स्ट्रेट स्लीव्स. एंड इसका जो दामन है वो राउंड है. ठीक है. इस तरह से राउंड है. लॉन्ग शर्ट है. इसके साथ मैं वाइट दुपट्टा और वाइट ट्राउज़र ही पहनती हूँ. ट्राउज़र भी मैं आपको दिखा देती हूँ. दिस इज़ दी ट्राउज़र जो मैं इसके साथ पहना था. ये भी मैं आपको दिखा दूँगी पिक्चर में. सो दिस इज़ इट. सही है. इंस्टाग्राम पे तो मैं स्टोरीज और फिट चेक्स वगैरह अपने शेयर करती रहती हूँ. अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया तो फॉलो कर लीजिएगा. वीडियो ये थे आज के डिजाइंस. बहुत ही सिंपल एंड एलिगेंट सारे दिखा दिया ना कोई रहता नहीं गया. सो दीज वर द डिजाइंस. और अगर आपको ये लेने हो तो मैं आपको साथ जो है वो मेंशन भी कर दिया है. ये वाला मैंने लिया था पहचान वाले से. ये भी पहचान वाले का है. ये भी पहचान वाले का है. ये मैंने लिया था लिबास वालों से. और ये चिकनकारी भी मैंने लिया था लिबास वालों से. बहुत अच्छा कपड़ा निकला है. हर चीज़ बहुत अच्छी है. मैंने अभी तक नहीं देखा कि किसी ने किस चिकनकारी की शलवार या ट्राउज़र बनाया और शर्ट के साथ का. बट इसके होल्स छोटे हैं. ठीक है. और ये सी थ्रू नहीं था तो मैंने सोचा चिकनकारी की ही शलवार या ट्राउज़र बनाते हैं. सो आई वेंट फॉर दी शलवार. ठीक है. जैसे मैंने आपको दिखाया बहुत अच्छा लगता है चिकनकारी का फुल सूट बना के देखें शॉर्ट शर्ट एंड शलवार के साथ. बहुत प्यारा लगता है. आपको मज़ा आएगा. और बट उसका मेक श्योर करिएगा कि छोटे होल्स हों ताकि वो सी थ्रू ना हो. सो ये थी आज की वीडियो. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. स्टे केयर. बाय. स्टे कनेक्टेड. वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा. जल्दी जल्दी में मैंने वीडियो बनाई है बट आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी. बाय. टेक केयर.